हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा पिंक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, 6 दिन का अब कलेक्शन सामने आ चुका है और जिस तरह से फिल्म ने एक स्लो शुरुआत की थी उस हिसाब से अब इसकी अर्निंग काफी अच्छी होती जा रही है। आपको बता दो, फिलहाल वीक चालू है, 6 दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है और जो आखिरी दिन का आंकड़ा है उससे भी आप सुनकर दंग रह जाएंगे। चलिए पहले आपको कलेक्शन के बारे में बता दो, फिर बताता हूँ किस तरह से फिल्में आगे सफर करने वाली है। तो पहले दिन फिल्म ने कमाए थे 4.32 करोड़ और सैटरडे को इस फिल्म ने कमाए थे 7.65 करोड़ और तीसरे दिन संडे को इसने बंबल कलेक्शन किया था और कमाए थे 9.54 करोड़। तो 3 दिन के आंकड़े इसे काफी अच्छे थे। उसके बाद मंडे को थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ, मंडे को फिल्म ने कमाए थे 3.78 करोड़ और जो ट्यूजडे यानी पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 3.51 करोड़। और उसके बाद जो अब वेनसडे का आंकड़ा आया यानी कि छठे दिन का, वो बहुत लाजवाब है, वो आया है 3.87 करोड़। यानी कि फिल्म ने मंडे और ट्यूजडे से ज्यादा अच्छी अर्निंग की है वेनसडे को। इसके यही साफ होता है कि फिल्म एक अच्छी जा रही है, स्टेबल जा रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और अभी तक इसका जो टोटल हो चुका है उससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। टोटल हो चुका है 32.67 करोड़। जी हाँ, 32 करोड़ के ऊपर ये फिल्म ने कमा लिया है पिछले 6 दिन में। एक फिल्म के लिए और क्या चाहिए, क्योंकि ये इतनी हाई बजट फिल्म नहीं थी, एक डिसेंट सा बजट था इस फिल्म का, 20 से आई थिंक 25 या 22 करोड़ तक के बीच में इसका बजट था। तो एक बड़ी फिल्म नहीं थी, पब्लिसिटी ज्यादा हुई नहीं थी। ये फिल्म अगर चली है तो स्टोरी के दम पे चली है, एक फीमेल सेंट्रिक जो स्टोरी थी उसके दम पे चली है। अमिताभ बच्चन, कीर्ति कुल्हारी, अंदर तारिंग और तापसी पन्नू की एक्टिंग के भरोसे पे ये फिल्म चली है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फिल्म, एक इंटेंस फिल्म है और ऑडियंस का टेस्ट धीरे धीरे बदलते जा रहा है सिनेमा को देखते हुए, और उस हिसाब से ये फिल्म बहुत ही सही सूट करती है हर एक को। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस फिल्म का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप भी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके कलेक्शन से और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से कलेक्शन इसका आने वाले दूसरे और तीसरे हफ्ते में भी बरकरार रहे। कुछ बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।